माय डियर डीब वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी अक्सर और अभी हमने जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और वो क्या है एंजाइटी एंजाइटी क्या है बेचैनी तो बेचैनी को डील किया जा सकता है ना बेचैनी अब होती क्यों है सबसे पहले तो हमें इसको पता होना चाहिए कि बेचैनी इंसान को होती क्यों है रेस्टलेस कंडीशन क्यों होती है तो वो इस वजह से होती है कि आ, दो कंडीशन में होती है बेचैनी एग्जाइटी इंसान को या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होती है या तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस स्टेट में या फिर जो है वो सैड सिचुएशन में होती है तो अगर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट है जैसे कि इंसान बहुत कुछ प्लान करता है अपनी लाइफ में और वो चाहता भी है कि वो उसको अचीव करे और अगर वैसा हो जाए उसके प्लान के अकॉर्डिंग जो कि बहुत कम होता है लेकिन अगर हो जाए तो फिर इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता तो उस स्टेट में एंजाइटी कैसे हो सकती है उस स्टेट में एंजाइटी हो सकती है कैसे कि फिर इंसान कहता है कि मैंने ये जो सक्सेस है वो अचीव कर ली है तो अब वॉट नेक्स्ट मैंने ये जो सक्सेस अचीव की है अब आगे जो है वो मुझे सक्सेस मिलेगी ये जो सक्सेस मैंने अचीव की है ये स्टे करेगी आगे चलेगी ज़्यादा देर तक या फिर जो है वो मुझे सिर्फ इतना ही अचीव करना था ये अचीव जो मैंने कर लिया है ये मुझसे कहीं दोबारा से खो ना जाए तो स्टेट ऑफ रेस्टलेस जो है वो इंसान के साथ हमेशा रहती है और अगर बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन है जैसे कि अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ था और आपके प्लान के अकॉर्डिंग वैसा नहीं होता जो कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि अक्सर प्लानिंग जो है वो काम नहीं भी करती तो फिर क्या होता है फिर भी इंसान जो है वो रेस्टलेस हो जाता है वो कहता है कि मैंने इतना प्लान किया इतनी कोशिश की लेकिन वैसा हुआ नहीं तो फिर भी इंसान जो है वो एंगजाइटी का शिकार हो जाता है बेचैन हो जाता है तो क्या है फिर इंसान इसको डील कैसे करे तो इसको डील किया जा सकता है बिल्कुल आप को को डील करना आना चाहिए और बेचैनी से जो है वो कैसे डील किया जा सकता है सबसे पहले तो बेचैनी हमने देख लिया कि क्या क्या वजूहत हैं ना इसकी क्यों क्यों होती है किस स्टेट में होती है तो वजह है इसकी रीज़न क्या है रीज़न है इसकी हमारी सोसाइटी हमारा सोशल प्रेशर जो सोशल सर्कल है जिसमें हम मूव करते हैं वो है इसकी बहुत मेन रीज़न जिसकी वजह से एंजाइटी इंसान को होने लग जाती है क्योंकि हम लोग जो है वो एक्चुअल में क्या है हम लोग जो किसी चीज़ को अगर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हैं तो क्या वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को देख देख के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जो है वो डॉक्टर बन रहा है तो आपकी फ़ैमिली में आप की फैमिली में कोई डॉक्टर बन रहा है तो आपके दिल में भी ये आएगी देखो वो डॉक्टर है उसको कितना प्रोटोकॉल मिलता है और कितना अच्छा से उसके नाम के साथ डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर क्यों ना बन जाऊँ हालांकि हो सकता है कि आपका जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है वो किसी और चीज़ की तरफ हो लेकिन आप इन्फ्लुंस हो के तो अपना प्रोफेशन या अपना पैशन जो है वो चेंज करने के लिए तैयार हो जो तो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है तो फिर भी आपको एंजाइटी रहेगी कि ठीक है वो तो डॉक्टर बन गए लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है कि आप अचीव कर भी लो लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आप में नहीं आएगी तो एंजाइटी इंसान को तभी रहती है जब वो सेटिस्फाई नहीं होता किसी चीज़ को अचीव कर ले तब भी और किसी चीज़ कोई चीज़ अगर उसको अचीव ना हो रही हो तब भी तो ये एंगजाइटी की स्टेट जो है वो इंसान के साथ रहती ही है तो क्या करना चाहिए इसको डील कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए आपको अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप माइंड को रिलैक्स रखो बजाय इसके कि आप दूसरों के साथ कंपेरिजन सी करते रहो कि वो उस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में जो है वो सैलरी ज़्यादा है उस प्रोफेशन में जो है वो नाम ज़्यादा है या उस प्रोफेशन में जो है वो कंपटीशन कम है कंपटीशन तो हर फील्ड में ही है अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को लेके एंजाइटी का शिकार होना कोई अच्छी बात नहीं है तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रखने की कोशिश करो कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ या या हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो मुझे मिल ही जाएगा अगर तो मेरी कोशिश दिल से हो रही है और मैं जो हूँ ये मेरा पैशन भी है प्रोफेशन से ज़्यादा तो वो चीज़ आप दिल से कर रहे हो और दिल से करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें इंसान थकता नहीं है और ये सबसे अच्छी बात होती है तो फिर इंसान जो है वो एंग्जाइटी का शिकार भी नहीं होता उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रे करो ओके जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है जिस भी रिलीजन से आप रिलेटेड हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो प्रे किया करो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने माइंड को रिलैक्स और पीसफुल रखने की कोशिश करो इससे भी जो है वो एंग्ज़ाइटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है और आप इंगजा एंग्जाइटी की तरफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाते तीसरा आपको मैं क्या रेमेडी बता सकती हूँ इसको डील करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो जब भी इंसान जो है वो एंग्ज़ाइटी का शिकार होता है ना उसके अंदर एक बेचैनी सी आने लग जाती है तो वो इस तरह से भी होता है कि उसका बी जो है वो जब वो सोचता है एक चीज़ के बारे में बहुत खुश होता है तो फिर वो जो है उसके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है तो भी जो है वो बी इफ़ेक्ट करता है ना खुशी की वजह से ज़्यादा खून बनने लग जाता है ना जब वो कहते हैं कि जब इंसान हंसता है तो खून जो है वो ज़्यादा बनता है ठीक है तो पानी जो है उस चीज़ को बैलेंस रखता है अगर तो सैड कंडीशन में आपका पी लो भी हो जाता है सोच सोच के तब भी जो है वो पानी उसको बैलेंस कर देता है पानी ज़्यादा पीना चाहिए अब ऐसा भी नहीं करना कि पानी ज़्यादा पीना इसका मतलब ये है कि हर दो मिनट के बाद पानी हर दो मिनट के बाद पानी नहीं ये भी जो है वो एक बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है कोई आप पानी पिए अभी ठीक है फिर आपने दोबारा पानी तब पीना है जब आपको दोबारा से प्यास लगे तब बार बार जो बार बार पानी पीना भी अच्छी बात नहीं होती ओके जी उसके अलावा जी एंग्जाइटी से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसका फोर्थ पॉइंट आपको मैं ये बताऊंगी सबसे मेजर पॉइंट के डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें आपकी जो एज एन इंडिविजुअल आपकी जो शख्स पर्सनैलिटी है शख्सियत है वो आपकी है वो दूसरे की जो आप दूसरे के अंदर वो नहीं हो सकती क्वालिटी जो आपके अंदर है जो रोल आपने प्ले करना है वो कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकता सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ कि वो तो ऐसे वो तो ऐसे जो कि फैमिली में अक्सर होता है हमारे बड़े जो हैं वो ऐसा ही करते हैं फलाँ के बच्चे ये कर रहे हैं फला के बच्चे वो कर रहे हैं हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे सबका अपना अपना जो है वो इंटरेस्ट होता है और वो क्या कहते हैं ना पाँचों उगलियाँ बराबर नहीं होती तो कंपेयर क्या करना सही तो कंपेयर क्या करना किस बात के लिए कंपैरिजन करना कि अब वो ऐसे वो ऐसे उसकी क्वालिटी है उसकी क्वालिटी वो हर एक के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है और उसी को इंसान को इन्हैंस करना चाहिए उसी को पॉलिश करना चाहिए तभी वो जो है वो एक फ्रूटफुल पर्सन इम्प्रूव हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए तो ये बेहतरीन तरीका है एंग्जाइटी से बचने का और पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि वो भी ज़्यादा कम्पेरिजन्स ना किया करें बल्कि बच्चों को ये आ, कहा करें कि जो उनका इंटरेस्ट है और तो थोड़ा बहुत किसी कैरियर काउंसलिंग से भी मशवरा करके तो उसी को जो है वो इम्प्रूव कर लें उसी को जो है वो पॉलिश कर लें तो वो ज़्यादा जो है वो बेस्ट होगा बजाय इसके कि आप अगर एक क्या कहते हैं ना एक लाइन पे चल रहे हैं सारे के सारे तो दूसरों को भी उसी लाइन पे चलना है तो वो कामयाब है अदरवाइज़ वो फेल हैं तो ऐसा नहीं होता सो so, काइंडली अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें कंपेयर मत करें सबसे बड़ी बात यही है और कंपैरिज़न uh, होता भी किन चीज़ों में है कि उसकी ड्रेसिंग ऐसी उसका घर वैसा उसके बच्चे वैसे उसके पेरेंट्स वैसे तो ये तो कंपैरिजन चलते ही रहते हैं तो इनको अवॉइड किया जा सकता ख़त्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम ये कह भी दें कि हम इसको जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता ना पॉसिबल नहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आ, सोचने की हद तक बड़ी अच्छी लगती हैं कि काश ये ख़त्म ही हो जाए कंपैरिजन हालांकि ऐसा नहीं होता कुछ ना कुछ तो लोगों को ऑल द टाइम चाहिए एक्टिविटी तो जब कुछ नहीं मिलता तो वो कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं सो so, जो कर रहे हैं उनसे अपील की जा सकती है कि वो ना करें और जिन का कंपैरिजन हो रहा है उनको ये एडवाइस दी जा सकती है कि वो इसको अवॉइड कर दें कोई अगर कर भी रहा है कंपेयर तो आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें और बस फिर सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा और आ, आप एंजाइटी से बचे रहेंगे आई होप कि आपको जो मैंने बताया एंजाइटी के बारे में और किन कंडीशंस की वजह से ये होती है और इसको डील कैसे किया जा सकता है आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और अगर आप कोई ऐसा मेथड फॉलो करते हैं जिससे आप एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप किस तरह से जो है वो डील करते हैं और ये जानकर थैंक यू सो मच अब आप भी अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको भी अपने वीडियोस में अपने लेक्चर्स में अपने सेशंस में मैं इंक्लूड करूँ और उस पर जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लें तो इसी तरह से जो है वो टॉपिक्स पे डिफ़रेंट प्रॉब्लम्स पे डिफ़रेंट इश्यूज पे बात करने से ही सल्यूशन्स निकलते हैं अदरवाइज़ कोई बात नहीं करेगा तो क्या सोल्यूशन निकलेगा ओके सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय हाफिज़